खुशा मदीद कहते हैं, देखने अब शेफ 21 मुझे कहते हैं बादशाह। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग मौजूद हैं पाकिस्तान दुनिया भर में, दोस्तों इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइव होते हैं एवरी सिंगल डे बिटवीन 6 to 7 PM, रिपीट 11 to 12 बजे तक। कहते हैं दोस्तों उम्मीदों भरा सीना था मेरा, हवा की तरह उड़ता रहा, जिसकी सांस में सच्चाई है जीत उसी के लिए प्यार है। और एक और चीज दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया भर की रिसर्च, बल्कि स्टीफन हॉकिंग जिनको सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता है, उसने भी एक बात कही कि टाइम हर किसी का एक जैसा नहीं होता, ठीक है, दो अफराद उनके लिए अलग अलग टाइम होता है, और आपका भी, हर इंसान की लाइफ में अच्छा वक्त भी आता है और मुश्किल वक्त भी आता है। तो आई थिंक इसे अगर समझ लिया जाए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, अच्छे वक्त में भी आप शुक्र अदा करते हैं और मुसबर देते हैं, और मुश्किल वक्त में भी आप थैंक्सफुल लेते हैं अल्लाह ताला का। खुश आमदीद कहते हैं, आज इस शो में बहुत ही आला रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो काफ़ी मजे की लगेगी इंशाल्लाह आपको। और सवाल, जैसे कि आप जानते हैं एवरी सिंगल डे शो का ऐसा होता है जिसका जवाब दे के आप कॉल करके जवाब दे सकते हैं। लेट्स सी आज किन का जवाब दुरुस्त होता है। सवाल इतना सा दोस्तों, वो कौन सा म्यूजिक है वो कौन सी धुन है जिसे बजाया तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, वो कौन सा म्यूजिक जिसे बजाया जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, जिसे टच नहीं कर सकते। लेट्स सी सबसे पहले किन का जवाब दुरुस्त होता है। आज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही खास, एक तो हर्बिज स्टेक बना रहे हैं। हर्ब्स जो होते हैं, दुनिया भर के खाने, दुनिया भर की कुजीन, दुनिया भर की रिसर्च इस चीज पर आ चुकी है कि आपकी जो सेहत को बचा सकती है हेल्दी खाने, नेचुरल जितनी चीजें जो अल्लाह ताला की जानिब से मिली, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, कुदरत ने उगती है, वो सभी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो चीजें जो इंसान बहुत से बनाते हैं वो नुकसानदेह काफी, ठीक है। तो उसमें से आज हर्ब, यकीनन ये ऑर्गेनिक चीजें, हर्बिज स्टेक बनाएंगे, ठीक है, और साथ ही ग्रीन पीस के राइस भी शेयर करने जा रहे हैं। हर्बिज स्टेक के लिए दोस्तों बीफ ली देख लीजिए, आपने अंडरकट लेना है, अंडरकट ना हो तो रान का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है, तो सिंपली वो पार्ट लेना है बीफ का जो जल्दी गल जाए, जल्दी टेंडर, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का मीट है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके हम फिले काटेंगे, अंडरकट नहीं है लेकिन काफी जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसके फिले बीफ के। और बाकी दीगर इंग्रेडिएंट्स भी आप देख लीजिए, यहाँ दोस्तों हर्ब में जो यूज करें, ऑरिगेनो, थाइम, रोजमेरी आप यूज कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग, सूखी मेथी यूज करें, हमारे देसी हर्ब धनिया पुदीना भी स्टेक में शामिल करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और मौजूद है मस्टर्ड बेस्ट, मलका फूड्स की वाइट पेपर, नमक, सॉल्ट, मौजूद है फ्रेश क्रीम इज रिक्वायर्ड, जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन पिसा हुआ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। और इसके साथ ग्रीन पीस राइस भी बनाने, लेकिन चलते हैं प्रोसेस की जानी, पैन तो यहाँ रखा लेकिन पहले थोड़ा स्टेक काट लेते हैं। बीफ मेडेलियन, आपने नाम सुना होगा मेडेलियन, फ्रेंच जबान में मिनी स्टेक को कहा जाता है, ठीक है, तो मिनी स्टेक हम काटेंगे, ठीक है। इस तरह के स्टेक भी होते हैं जो 200 ग्राम का एक पीस होता है स्टेक का, लेकिन हम मिनी स्टेक काटेंगे, उसका आपको बताते हैं किस तरह फिले काटना है, ठीक है। और ये जरा देखिएगा दोस्तों बीफ भी और उसकी कटिंग भी, जो डेफिनेटली जरूरी है, नाइफ का शार्प होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई भी आप कटिंग करें, इस तरह से इसके आपने फिले काटे हैं, एक काट आपको बाकी काट के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने स्टार्ट करना इस जगह से, ठीक है, नाइफ का शार्प होना जरूरी, वरना नहीं कट पाता, मुश्किल होगी काम को काटने में। इस तरह से आपने इसका फिले काटना है पसंदीदा, ठीक है दोस्तों, इस राइस को यहाँ रखते हैं ताकि इसकी आप देख सकें, ठीक है दोस्तों, इसे हम इस तरह से आपने काटना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से आपने इसे काट लेना है, देखिए, ठीक है, कोशिश करना है थिन काटना है ताकि इजीली, ठीक है, इस तरह मिनी स्टिक दोस्तों आपने काट लेना है, ठीक है, मेडेलियन आपने काट लेना है, बाकी मर्जी आपकी, बिग साइज का भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हैमर भी करना है यकीनन, जिससे और पतला हो जाएगा, बट कुछ देर के बाद बाकी ये सभी काट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मीट लिया और ये थिक हो रहा है, इसको आपने बीच से दो करना है, ठीक है, इस तरह से आपने, ठीक है दोस्तों, जरा हैमर करेंगे तो और इसका बिग साइज का हो जाएगा, ये पतला है वैसे ही, इसके सिर्फ दो पीस की, ठीक है दोस्तों, बाकी बिग साइज के बना सकते हैं, पर ये कि इट डिपेंड ऑन यू किस टाइप का बनाना चाहते हैं, ठीक है। और स्टेक की अगर बेसिक मैरिनेशन की बात भी करेंगे आज कि क्या होता है, इस सवाल से बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे आप सभी दोस्तों के साथ, ठीक है।
इसके भी अपने उसी तरह से सियापे से फले काट लें। जवाब दे सकते हैं दोस्तों कौन सा म्यूजिक है, वो कौन सी धुन है जिसे बजाया तो जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते आप। ठीक है दोस्तों, अब काटने के बाद से आपने हैमर करना इस तरह से आपने और पतला करना, हैमर कीजिए नाइफ का ये हिस्सा होता है आपने जितना हो सके कर लीजिए, क्योंकि जब आप कुक करने जाएंगे इसमें से वाटर कंटेंट निकलता, पानी कम होता है, इशू होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पतला कर लें, इससे कुक करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से हैमर कर चुके हैं, उसके बाद रखते जा रहे हैं। फिर देखिए आपने बीफ का पीस लिया और इस तरह आपने हैमर करना है या नाइफ से इस तरह थिन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सभी बीफ की हम कर लेनी है कटिंग, ये हैमर कर लेना है, थिन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थिन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने बीफ कटते करते आपने रखते रहना है। बाकी जरूर जो बहुत जरूरी है कि जाहिर है हर तरह के मीट खाया जाए, वेरिएशन हो, डिफरेंट आइडियाज के साथ आपको मजा आता है। ठीक है दोस्तों, क्विकली कर लेंगे, पहले इस तरह किया देन अगली जानिब से दूसरी जानिब से इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने थिन कर लेना बीफ को। ठीक है, ये ज्यादा थिक है, इसको ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसे और पतला कर लेना इसे आपने। जी क्या कोल ले पाएंगे दोस्तों और ये इस तरह से थिन कर लेना। ठीक है दोस्तों, थिन करते रखते जा रहे हैं इस तरह किया दें अगली जानिब से। ठीक है दोस्तों, सिलसिला बिल्कुल जारी है, आप मौजूद ही हमारे साथ देखते रहिए शेफ 21 बीफ हर बीफ स्टेक बना रहे हैं, यानी कि मिनी स्टेक, और जिसमें हर बीफ ऐड करना है। ठीक है, और ये पीस वैसे थे ना। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट पीस को भी इस तरह से आपने थिक कर लेना है, बल्कि जरा थिक्के से और पतला कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से आपने थिन करके जरा खोल भी सकते हैं और ज्यादा। ठीक है दोस्तों, कितना देखिए इसे कितना लॉन्ग कर चुका। ठीक है दोस्तों, कर चुके हैं, मैरिनेशन की जानिब चलते हैं। इसमें मसाले ऐड करते हैं फ्राइंग पैन और मिक्सिंग देखिए जो बहुत अहम होती है, बहुत से जगहों पे बहुत से शेफ सीखे तो उसमें बहुत सी चीजें ऐड करते हैं, वर्सेस्टरशायर बीफ, मस्टर्ड बीफ, केचप, ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी खानों में दो सॉसें डलती हैं, वर्सेस्टरशायर, मस्टर्ड, फिर नमक, मिर्च, गार्लिक, बस। ठीक है, और ये कम इंग्रेडिएंट्स में मजे के खाने होते हैं। अच्छा, आगाज में ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ। ठीक है, कोई 1 टेबल स्पून हमने शामिल किया, शामिल करते हैं मस्टर्ड पेस्ट, ये भी कोई दोस्तों 1 टीस्पून लगभग शामिल करना है। इसी मिक्सिंग में ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, ऑयल ऐड करना दोस्तों कोई 2 टेबल स्पून के बराबर, 2 खाने के चम्मच। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बाकी स्पाइसेस, द क्वीन ऑफ ब्रेस्ट मलका फूड्स का सोल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर, ये हमेशा से दोस्तों स्टेक की जान होता है। ठीक है, ये जरा सा ज्यादा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून जरा सी व्हाइट पेपर, हर्ब में इसके अंदर ऐड करें, ना ओरिगेनो, ना थाइम, ना रोजमेरी, ना बेसिल, बल्कि हमारी सूखी मेथी कोई 1 टीस्पून इस वक्त हमने शामिल किया। ठीक है, और से आपने
बिल्कुल इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि बीफ के अंदर सभी चीजों का जायका अच्छा जाए। दुनिया में जो मीट के शौकीन लोग हैं दोस्तों, वो नहीं चाहते कि बीफ के साथ बहुत ज्यादा चीजें हों, वो गोश्त को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, वो गोश्त को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें शामिल नहीं करते। प्रोसेस की जानिब भी चलते हैं, पैन ऑन करते हैं और कॉलर भी मौजूद है, लेट्स सी कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? जी परफेक्ट, आप बताइए मैडम जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये आप जो बना रहे हैं, उनको जो आपने हैमर किया है, मतलब छुरी से कर लिया, बहुत जबरदस्त लगा, है ना। अच्छा, ये जो मसाले आपने ऐड कर रहे हैं, जी, क्या जी। हम लोग उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना कि एक और बाउल ले लें छोटा सा, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स कर लें और फिर उसके बाद ये गोश्त के ऊपर अप्लाई करें, ये ज्यादा इस तरह भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली दुरुस्त कहा आपने। और उसके अलावा वैसे तो वाकई एवरीथिंग इज वेरी नाइस। और ये सभी सभी सही है जैसे आप कर रहे हैं, इसमें फिर अब जैसे हैमर करने के बाद अब हम लोग को इसको उससे गूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, जैसे फोक से हम लोग किसी इसको यानी इसके अंदर एंटर करने के लिए तो खुद ही काफी हद तक बर्ज हो जाता है मसाले सारे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ये कि ऐसा होता है जो आपने मिक्सिंग के बाद की, हम लोग क्या करते हैं होटल में रुखसाना जो टिक्का भी बनाते हैं ना, तो उसकी हम मैरिनेशन अलग से बना के रखते हैं, ठीक है, और फिर मीट के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, अंग्रेजी खानों को भी इसी तरह करते हैं, इसकी एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, फिर स्टेक में, मटन के चॉप्स में, एक ग्रिल आइटम में यूज करते हैं, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी, दोनों चीजें, लेकिन रखना जरूरी है कुछ देर के लिए। जी जी, घर में भी ये है कि अगर दो टाइम बनाना हो तो एक दफा ये मसाले सारे मिला के रख लीजिए, फिर उसके बाद एक दफा बनाया और फिर नेक्स्ट टाइम बनाना हो तो उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज कहूंगा, अगर फर्ज कीजिए आपने दोपहर में बनाया फिर आपको रात में बनाना, तो एक दफा मैरिनेट कर लें ज्यादा अच्छा है, ताकि गोश्त के अंदर अच्छा जायका अच्छा जाएगा। जी जी जी, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, खुश रहे, शादाबाद। दोस्तों प्रोसेस की जानिब चलते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं और जवाब दीजिएगा वो कौन सा म्यूजिक है जिसे बजाया जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, ये ऐड कर रहे हैं और वक्त ब्रेक का भी हुआ, तो बल्कि ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21। वेलकम बैक टू आवर शो, आप देख रहे हैं शेफ 21, एवरी सिंगल डे लाइव होते हैं जहां बेस्ट रेसिपीज मिलती हैं 6 से 7, आपने कोई चैनल चेंज नहीं करना, यही रहना है क्योंकि यही वो शो जो आप देखना चाहते हैं,
बेस्ट खाने होते हैं, बात होती है आपके सेहत की, सवाल पूछा वो कौन सा म्यूजिक है, वो कौन सा म्यूजिक है जिसे बजाया तो जा सकता पर छुआ नहीं जा सकता। स्टेक का प्रोसेस जारी है, ठीक है दोनों दोस्तों, दोनों जानिब से जब कलर आ जाए इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये क्विकली हो जाएगा तैयार, ठीक है दोस्तों। और एज इट इज खाने का इसका मजा होता है, जूसी मीट होता है, ठीक है। और जो शौकीन लोग हैं बहुत पैसा खर्च करते हैं ये मीट खाने के लिए। दोस्तों जैसे कलर आए इसके बाद निकाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी मीट भी ऐड करते हैं इसी के अंदर, राइस भी शेयर करेंगे, लेकिन जरा इस वक्त इस पैन को मैं कर रहा हूँ क्लीन, जो बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। जवाब दीजिए, रुखसाना जी ने जवाब नहीं दिया, आप बता सकते हैं व्हाट यू थिंक, वो कौन सा म्यूजिक है जिसे छुआ नहीं जा सकता पर बजा सकते हैं आप, ठीक है। क्लीन करना है परफेक्टली। और ये बात कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब ग्रिलिंग की बात की जाए तो चारकोल ग्रिल या फ्रेंच ग्रिल ऐसा नहीं होता, ये भी ग्रिलिंग ही है। इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन, कुकिंग के दौरान हीट नीचे से आ रही है, उस समय को ग्रिलिंग कहा जाता है। इवन आप अंडा भी बना रहे हो, ठीक है, एक तरह से ग्रिलिंग ही हो रही है। कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच एड करते हैं इसके अंदर, ये बीफ के स्टेक। पैन आपने परफेक्टली गर्म कर लेना दोस्तों, जवाब दे रहे हैं आप सवाल का, ऐड करें स्टेक, एक एक करके सभी ऐड करें इसी के अंदर। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं, याद रहे कि फ्राई नहीं होते, सिर्फ पैन फ्राई होते हैं, इतना ऑयल के ये सरफेस पे लगने से महफूज रहे। और ये मिक्सिंग बचानी है, जो ऐड करनी है लास्ट में, इसमें सॉस भी बनाएंगे दोस्तों, तो बस सिलसिला बिल्कुल जारी है। राइस भी शेयर करेंगे आपके साथ, जवाब दे रहे हैं सवाल का भी, और इंटरनेट की दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, चाहे शेफ 21 के पेज पे या इकबाल शाह के पेज पे, आप बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब भी देते रहिए, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। करते हैं इसे चेंज, कलर देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत, जैसे कलर है आपने चेंज कर, ये टर्न ओवर करना भी। अगली जानिब से भी ये ब्राउन हो जाता, ठीक है दोस्तों। और बाकी जब गोश्त को खाने की बात होती है, हम जो करते हैं पाकिस्तानी दोस्तों, एक ही हमारा तरीका होता है कि गोश्त को वेरी 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 वेल डन करते हैं, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अगर आप जैपनीज खानों की बात करें, सुशी की, वो कच्चा खाते हैं, मैरिनेटेड होता है। इसी तरह अंग्रेजी खानों में वो चेक करते हैं, मीडियम भी खाते हैं स्टेक, मीडियम वेल भी खाते हैं, वेल डन भी खाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक चूल्हा दोस्तों, प्रोसेस जारी, देख सकते हैं आप। और अब क्या होगा कि जब इसका कलर आ जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे इसकी गलावट की जानिब, उसका भी आपको प्रोसेस बताएंगे, इसी के अंदर सॉस भी तैयार करेंगे, ठीक है दोस्तों। और गलाना भी दोस्तों, ऐसे जरा से टर्नओवर कर रहे हैं, ग्रीन पीस राइस भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। कलर आ चुका है, बस जरा सा और कलर आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे गलावट की जानिब, बीफ हार्ड बीफ स्टेक कर रहे हैं तैयार। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो स्टेक है जो कलर दे चुके इसी में हमने शामिल किया, अब आपने क्या करना है दोस्तों, जब कलर ला चुके हैं तो उसको और ज्यादा टेंडर करना है। टेंडर करने के लिए क्या करना आपको बताते हैं दोस्तों, ये बाउल में जब मैरिनेशन तैयार की थी, जरा सा इसमें ऐड करते हैं पानी, ठीक है, जरा सा पानी ऐड किया, करते हैं इसे मिक्स, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। कुछ देर के लिए इसे आपने कवर करना है ताकि परफेक्टली डन होगा। कॉलर मौजूद है, लेट्स सी कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर शहाना जैदी बात कर रही हूं। डॉक्टर शहाना जैदी जी, कैसी हैं आप? शायद आपने पहचान लिया हो। जी जी डॉक्टर साहिबा, कैसे भूल सकते हैं आपको, कैसे चल रही है आपकी लाइफ, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके क्या हाल चाल है? बस मजे में, परफेक्ट। स्टेक पसंद है आपको? जी जबरदस्त, और आप तो बहुत ही जबरदस्त बना रहे हैं, और जो आप पैन को जो उछाल उछाल के जो उसमें से शोले उठते हैं, बस क्या बात है।
हाँ जी मैडम, बस ये मोहब्बत है आपका, प्यार है, और आप सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर इलाज ही करती हैं या खाने भी बनाती हैं? खाने भी पकाते हैं जाहिर है। अच्छा जी, बिल्कुल पकाए जाते हैं जाहिर है, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो मतलब इंसान खाता है तो पकाता भी है। एब्सोल्युटली बिल्कुल, और कुकिंग और खवातीन को कौन अलग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बाकी बाकी बहुत अच्छे खाने आप पकाते हैं, बहुत अच्छी नई नई तरकीबें मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बतें प्यार है आपका। अच्छा जवाब देंगी शाहना जी के, बिल्कुल वो कौन सा म्यूजिक है? जी वैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हाथ लगाए बगैर नहीं बजाया जा सकता, सिवाय इंसान अपने मुंह से जो सीटी बजाता है। अच्छा, वो सीटी जो है कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं होती, और वो मुंह से बजाते हैं लोग, और बाद लोग तो बहुत अच्छी अच्छी धुने बजाते हैं, इवन के जो आवाज से मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं वो लोग तो पूरे फुल ऑर्केस्ट्रा तक मुंह से बजा लेते हैं। लेट्स सी आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहना, थैंक यू, लव्स। दोस्तों डॉक्टर शाहना जैदी जी मौजूद रही। अच्छा, स्टेक को हमने गलाने के बाद इसमें पानी एड किया इसलिए, और कवर रखने स्टीम पे टेंडर हो जाएगा, और राइस की रेसिपी भी शेयर करेंगे, इसी के अंदर हम सॉस भी बनाएंगे। और जिंदगी में हर जगह चेंज होता है, जो गेट साहिल लुधियानी जी ने लिखा था ना, कल और आएंगे दुनिया में नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। चेंज जिंदगी का हिस्सा है, हर दौर में आया है, कुकिंग में भी चेंज आया है। एक जमाने में सॉस बहुत ज्यादा बनती थी, जिस तरह मैं अगर अपना पढ़ाई बताऊँ, आज से 10 साल पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया, अब ऐसा कम होता है। अब क्या होता है कि बीफ की जो ये स्टेक के अंदर जो पैंदे से लगा हुआ होता है जो उसका मसाला, उसी के अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं लोग, वो आपके साथ एक नए दौर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है, तो इसका प्रोसेस जारी है। और राइस की जाने भी जाएंगे, जवाब भी दे रहे हैं आप, सिलसिला बिल्कुल जारी है। अच्छा, ग्रीन पीस राइस बना रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए चावल बॉयल्ड है, उबले हुए राइस है, शामिल करना है इसमें ग्रीन पीस यानी कि मटर जिसे हमने बॉयल कर लिया है, ठीक है, पीस राइस बना रहे हैं, और नमक जाएगा इसमें हल्का सा, हमने घी या मक्खन ऐड करना है, और सफेद मिर्च, काली मिर्च कुटी हुई मलका फूड्स की दी क्वीन ऑफ टेस्ट, जिनका कहना है कुछ नया पकाओ, ठीक है, लेट्स सी हमारे स्टेक कहां तक पहुंचे। प्रोसेस में सच्चा जारी है, अब जरा चूल्हा तेज करते हैं और देख रहे हैं इसके अंदर सॉस बनती जा रही है, ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सॉस बनती जा रही है, तो आपको जरा दिखाते हैं, ठीक है, स्टेक भी ये मीट भी काफी हद तक ये गल चुका है, देखिए, ये मजे का मीट है दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप, काफी हद तक देखिए गलता जा रहा है, और इसे बिल्कुल टेंडर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें सॉस भी ऐड करनी है, और इसका प्रोसेस जारी है, पहले कलर ला चुके थे, उसके बाद से हम टेंडर कर रहे हैं। बीफ ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा कैलोरीज होती हैं कंपैरेटिवली चिकन के या मटन के या फिश के, सबसे ज्यादा कैलोरीज बीफ में होती है, मेरे ख्याल से 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, ठीक है, बीफ ज्यादा हैवी होता है, इसलिए ताकत भी ज्यादा होती है, पावरफुल ज्यादा होता है, बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब इसे बस कुछ देर उसे दम पे रखूंगा धीमी आंच पे, उसके बाद इसकी प्रोसेस की जानिब चलेंगे, और साथ ही हम तैयारी करते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही हम चलते हैं दोस्तों अब राइस की जानिब, चावल बॉइल्ड है, ठीक है, इसे हम ड्राई कर लेते हैं। जवाब दे रहे हैं दोस्तों, वो कौन सा म्यूजिक है जिसे बजा सकते हैं पर छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, और इंटरनेट के दोस्त भी प्लीज जवाब देते रहिए दोस्तों। ऐड करते हैं इसी के अंदर कुकिंग ऑयल लगभग 1 टेबल स्पून, जरा सा ऐड करते हैं घी या फिर बटर भी ऑयल के साथ ही, ठीक है, ये भी कोई 1 टेबल स्पून, और उसके बाद धीमी आंच पर से आपने जरा मेल्ट होगा, तब तक चलते हैं हम अनियन की जानी प्याज करते हैं चॉप, ठीक है दोस्तों, और प्याज को ये सा रिमूव करना है, देख सकते हैं आप, उसके बाद इसे हमने चॉप काट लेना, ठीक है दोस्तों, कट लगाने इस तरह 1 2 3 और ये 4, ठीक है दोस्तों, अनियन भी ऐड करते हैं इस ऑयल के अंदर, और अब मौजूद ही हमारे साथ कुछ देर में ब्रेक की जानी भी चल रहा है, और रेसिपी शेयर कर रहे हैं,
और मैं चाहूंगा कि ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे होते हैं, कॉल्स बहुत कम लोग करते हैं ठीक है, या मैसेज नहीं करते, लेकिन उनका बहुत शुक्रिया जो साथ देते हैं। बट वी वुड लाइक नए लोग भी पार्टिसिपेट करें शो में ठीक है। अब भी हिस्सा बने और प्याज जरा सोते कर लेते हैं दोस्तों, प्याज और ये सोते और प्रोड्यूसर साहब कहें ब्रेक की तरफ चलना है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद दोनों रेसिपीज को फाइनलाइज करते हैं, एक पीस राइस भी एंड हर्ब स्टेक भी। रहिएगा हमारे साथ, दूर रेकर्ड भी अलविदा ना कहना, यादों में है ना। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं, देखना शेफ 21 एवरी सिंगल डे बिटवीन 6 टू 7 पीएम लाइव, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। दोस्तों इसमें बेस्ट रेसिपीज होती हैं, साथ ही बात होती है आपकी सेहत की, और ये हम बात कर चुके हैं दुनिया भर की रिसर्च से साबित हो चुकी है, जिन कौमों के खाने हेल्दी होते हैं उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी थिंग्स। प्याज को सिर्फ हल्का सोते किया हमने, ब्राउन नहीं करना। अनियन के बहुत ज्यादा फायदे, अनियन के बाद ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक, लहसुन जैसे कि आप जानते हैं कैंसर से फाइट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, दिल के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा। 1-2.5 टेबल स्पून शामिल किया, जरा इसे सोते कर लेते हैं। जवाब दे रहे हैं दोस्तों सवाल का, वो कौन सा म्यूजिक है जिसे आप दोस्तों बजा तो सकते हैं पर छू नहीं सकते ठीक है, और सिलसिला बिल्कुल जारी है, और पीस राइस बना रहे हैं ग्रीन पीस राइस। लेट्स सी हमारे स्टेक कहां तक पहुंचे, देख सकते हैं दोस्तों कैमरे की नजर से, जरा आपको दिखाते हैं। कवर ड्राया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सॉस ड्राई हो रही है, लेकिन मीट आप देखेंगे काफी मजे का ठीक है, टर्न ओवर भी करते हैं और काफी अच्छा गल चुका है, टेंडर हो चुका है। दोस्तों इसी के अंदर ऐड करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में पानी, कुछ देर से रखना है। लहसुन प्याज मटर पीस राइस के लिए सोते हो चुके, उसके बाद उबले हुए मटर ऐड करते हैं, बॉइल्ड ग्रीन पीस ठीक है करते हैं मिक्स। जवाब दे रहे हैं दोस्तों कि वो कौन सा म्यूजिक है जिसे आप बजा सकते हैं बचू नहीं सकते, मटर ऐड करके जरा से सोते करना है। और देख सकते हैं आप ठीक है दोस्तों, और वैसे बॉइल्ड है तो मटर सॉफ्ट है हमारे, उबले हुए ही शामिल करने, अगर आप कच्चे ऐड करें तो फिर ज्यादा देर से आपने यहाँ पे टेंडर कर बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना, उसके बाद आपने चावल ऐड करने।
और उसके बाद ये बॉइल्ड राइस एड करते हैं, जो हमारी देखिए ग्रेट टीम ने कितने जबरदस्त बॉइल किए हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें आना जरूरी है अगर आप कुकिंग का आगाज कर रहे हैं तो। चावल परफेक्ट बॉइल होना, चावल बॉइल एड करें इसी के अंदर। दोस्तों काफी ज्यादा राइस है, इतना काफी है। ठीक है, लगभग हमने 400 ग्राम राइस एड किया, बट इट डिपेंड आप कितना बनाना चाहते हैं। ठीक है, और इसे जरा मिक्स भी कर लेते हैं चम्मच से, शामिल करते हैं दोस्तों इसी के अंदर जरा सा और बटर, या आप घी बेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। शामिल करते हैं नमक, सॉल्ट। अगर आपने बॉइलिंग करते वक्त किया था तो बैलेंस कर लेना। मलका फूड्स, दी क्वीन ऑफ टेस्ट, व्हाइट पेपर मलका फूड्स की, ब्लैक पेपर काली मिर्च, धनिया पुदीना जरा चॉप कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर, ठीक है दोस्तों। कुछ इसके स्टिक्स हैं ये इसमें हमने शामिल किया, और धनिया हमारे हर्बिश स्टिक में भी बिल्कुल ऐड करना है। ठीक है, कर लेते हैं इसे जरा मिक्स। ये देखिए कलर इसका बहुत जरूरी है, इसका बरकरार रहे, ज्यादा सोया सॉस से कोई सॉस प्लीज शामिल ना करें। देखें स्टिक भी देखते हैं, और अब्दुल सतार साहब मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, अब्दुल सतार साहब कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र है सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया सर। आप कुकिंग करते हैं या सिर्फ देखते हैं शो? सर करता तो मैं भी कुकिंग हूँ, तो इसलिए मैं आपका प्रोग्राम शौक से देखता हूँ। आप क्या बेस्ट बनाते हैं, किस तरह के खाने बनाते हैं? फूड बस गर्मी बनाते हैं या फिर शेफ? नहीं नहीं सर, गर्मी बनाता हूँ मगर बस सिर्फ पाकिस्तानी बनाता हूँ। तो सर एक तो मैं ये आपके प्रोग्राम में ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो खासतौर पाकिस्तानी लोग हैं, जी जी, जैसे कि वो घर में खुद खाना साफ सुथरा पका के खाने का इतना शौक नहीं रखते, जैसे होटलों में बहुत ज्यादा चले जाते हैं लोग ना। जी जी जी। तो मैं चाह रहा था कि ये, क्योंकि मैं जब पंजाब से आता हूँ कराची के लिए, तो जब हम होटल पे रुकते हैं रास्ते पे, बसें वगैरह होटल पे रुकती हैं, जी जी, तो मैं खाना तो हमेशा अपना घर से बना के खुद ही लाता हूँ और रास्ते पे खाता हूँ। अगर मैं भूखा भी होता हूँ तो फिर भी कभी मैं रास्ते के होटल में खाना नहीं खाता। अच्छा अच्छा, सही। तो मैं ये लोगों को कहना चाह रहा था कि प्लीज अगर आप कुछ अरसे के लिए, ये जो इस तरह के होटल वाले बहुत नहायत लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, अब ड्राइवर का तो खाना फ्री होता है, जो बस का ड्राइवर आता है तो उसका खाना तो वो लोग फ्री होता है ना, तो जैसे बस के मुसाफिर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो वो इंतहाई महंगा देते हैं, या दाल सब्जी तो वो बनाते ही हैं, वो उनसे खाना पूछो ना, कहते हैं यार दाल सब्जी तो हमारे पास है ही नहीं है, मटन है चिकन है, वो इस तरह कहते हैं ना। जी जी। तो मैं ये लोगों को कहना चाह रहा था कि आप प्लीज कुछ थोड़े अरसे के लिए अगर होटल का बायकॉट करें, वो लोग सफाई करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे जब होटल पे गाड़ी रुकती है। चलिए आपको ऑनर बताते हैं अब्दुल सतार साहब, बहुत शुक्रिया, जवाब देंगे सवाल का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, और ये अब्दुल सतार साहब मौजूद रहे कि नए के रेस्टोरेंट में खाना ना खाए, आई थिंक ये अच्छा टाइम कम है कहा जा रहा है दोस्तों, तो इसे हम चब ये राइस निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जाहिर है होटल इंडस्ट्री दुनिया भर में चलती है, सिर्फ आप दुबई में देखें तो 54 फाइव स्टार होटल है, कराची में सिर्फ 3 है, ठीक है, दुनिया में चलता है बिजनेस है, लाखों लोग इसे कमाते हैं, तो वो चलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं किसी की क्वालिटी सही नहीं तो बेहतर जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, ये ग्रीन पीस राइस हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और होटल टूरिज्म होती है दोस्तों, इससे भी एक मुल्क का फायदा होता है, तो फाइव स्टार होटल भी और रेस्टोरेंट भी होने चाहिए। लेकिन अच्छा दोस्तों, एक ग्रीन पीस राइस हम निकाल दिए, ओवरफुल नहीं करना दोस्तों, गार्निश सिर्फ ग्रीन कोरिएंडर। ठीक है, कुछ टमाटर के हम काट लेते हैं, ऑन द टॉप
ठीक है दोस्तों, और अब लेट्स सी हमारे स्टेक कहां तक पहुंची, और स्टेक काफी तक गल चुकी है। इसी के अंदर बिट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। क्रीमी बनाने के लिए इसमें कोई व्हाइट सॉस ऐड नहीं कर रहा, फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश क्रीम कितनी ऐड करनी है, लगभग हाफ कप के बराबर। ठीक है, और इसे हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जबरदस्त परफेक्टली इसका टेक्सचर रच जाएगा। तो ये हमारे स्टेक, कोशिश करनी है कि बीफ को एक जानिब करना है और क्रीम को आपने मिक्स कर लेनी इसके साथ। तो कलर देखिए उसका दोस्तों, बिल्कुल आपको फील होगा फ्रेंच क्लासिक स्टेक है। देखिए, ठीक है, ज्यादा इसकी सॉस भी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए परफेक्टली स्टेक हो चुके हैं तैयार। बीफ हट बिश स्टेक जरा ट्राई करते हैं। सॉस गोश्त को भी पका सकता है, बीफ मटन फिश, अहम चीज होती है सॉस को ज्यादा जायकेदार बनाना। ठीक है, परफेक्ट, निकालते हैं दोस्तों। हल्का सा नमक कम है, पिंच ऑफ सॉल्ट। प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं दोस्तों। वाइट प्लेटर लेना है, प्रेजेंटेशन की जरा देखिएगा। ये फोक से आपने उसे उठाना है, ठीक है, और एक एक करके इस तरह आपने रखना है। ठीक है दोस्तों, फोक से उठाया, ये देखिए इस तरह आपने रखा। दूसरा पीस उठाया दोस्तों, और इस तरह रखा। तीसरा पीस, और इस तरह रखा। देखिए बीफ का बिल्कुल बीच में रखना आपने। फोर्थ वन इस तरह रखा। दोस्तों इससे ज्यादा वैसे मीट होना नहीं चाहिए दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, हमारी ख्वाहिश होती है कि सब डाल दें, इतना काफी है। इससे ज्यादा मीट प्लेटर में होना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मीट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट है। जरा इसकी एजेस साफ करते हैं। अब क्या करना है कि इसी जो इसमें हमने सॉस तैयार की थी एक तरह से, ये सॉस आपने चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, इस सॉस इस तरह से आपने इसके ऊपर रख लिया ऐड करने। देखिए देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर ज्यादा ऐड करना चाहे तो आप जरा सा पानी ऐड कीजिए, अगर थिन करना चाहे तो, क्योंकि जैसे जैसे रखा है ये ठीक होता जा रहा है, लेकिन बहुत रिच है। ठीक है, ये बीफ का अपना इसके अंदर अड़क आ चुका है, तो स्ट्रॉन्ग सॉस है। ठीक है, और इस सॉस इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बीफ मेडालियन हो चुके हैं तैयार, हर बीफ स्टेक। जरा सी गार्निश के लिए कोरिएंडर, आप जो आप पार्सली भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम। कुछ सलाद पत्ता सैलड ली, ज्यादा ना रखिएगा, इसे सिंपल ही रखिए। इट सीम्स अमेजिंग। ठीक है, कुछ दोस्तों हमारे पास स्पेशल सब्जियां मौजूद हैं, इस तरह ही रेड चिलीज हैं, इसे हम रख लेते हैं। ठीक है, एक ही रेड चिली यहाँ पे रखते। ठीक है दोस्तों, वक्त आ चुका है इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बीफ मेडालियन हो चुके हैं तैयार विद ग्रीन बीस राइस और सफाई, उसके बाद लेते हैं इजाजत। ठीक है दोस्तों, बाकी चीजों को रिमूव करते हैं। सवाल पूछा, वो कौन सा म्यूजिक है जिसे बजा सकते हैं पर छू नहीं सकते, और जवाब देते रहे लेट सिंग का जादू, सबको बताते हैं जरा सी सफाई। ठीक है दोस्तों, रिमूव करते हैं उन चीजों को जिनकी जरूरत है। ठीक है दोस्तों, कटिंग बोर्ड को भी हटाया।
और जरा इसकी क्लीनिंग आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये बीफ हर्बिश स्टेक और ये राइस हो चुके हैं तैयार। सवाल पूछा वो कौन सा म्यूजिक है जिसे बजा सकते हैं पर छू नहीं सकते। दुरुस्त जवाब है डॉक्टर शाहना जैदी ने दुरुस्त जवाब दिया, सिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आपका आप खुद क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद आबाद रहें, जरूर ट्राई कीजिए, मजे का खाना इतना ही कहेंगे। इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।